सुबह के बज गए हैं जी सही 9। झाड़ू पोछा तो हो गया पर ना सामान बिखरा पड़ा, इनके बैग धो रखे हैं, इनकी किताबें देख लो किस तरह से पड़ी हैं। तो बस अभी दिवाली तक तो मुझे लगे ऐसे ही रहेगा। ये दो बनो बहनें अभी उठी हैं जस्ट, मच्छरदानी भी ठीक नहीं करी, ये तो उठ के फिर से सो गए। ओए सो नहीं, खड़ा हो जा भाई, उठ जा। ये वाली अलमारी कल मैंने चकाचक कर दी है, पर मुझे पता है कि दिवाली तक एक बार फिर करना पड़ेगा इसको, हो जाएगी तब तक कपड़े इधर उधर, अभी एकदम अच्छी है। राम राम जी सबको, कैसे हो? तो जी बढ़िया है, दया है आप सभी की, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया अच्छे चल रहे हैं दिन, तबीयत पानी ठीक रहनी चाहिए। काम वाम तो किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा ऐसे होता रहता है, अभी दिवाली है तो थोड़ा सा रहेगा। अभी करेंगे मेहंदी लगाने गए जी, पहली बात तो यार क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, थोड़े थोड़े कहीं से वाइट बाल हो गए, देखो ये जड़ों के ना, वैसे तो बड़े ना दिखे जड़ों के, तभी सफ़ेद हो जाएंगे। तो वही है, मेहंदी लगाऊंगी तो इंडिगो लगाऊंगी, आज सोच रही थी या संडे आज मेहंदी लगा लेती हूँ, कल मंडे है, कल इंडिगो लगा लूँगी और फिर बुधवार का करवा चौथ है उस दिन हेयर वॉश हो जाएगा। पर बात ये हो रही है कि आज पानी एक ही टाइम आएगा, अभी फिलहाल आया है जाके, तो कभी फिर ना आए ना, सोच रही हूँ कभी पानी ना आएगा फिर धोऊंगी कैसे, दिक्कत हो जाएगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। मशीन चला दी कपड़ों के लिए, तो मेहंदी का लगाती हूँ जल्दी से हिसाब किताब, कुछ कैलकुलेशन करती हूँ कैलकुलेट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि फैसला ना लूँगी, तो क्योंकि 9 तो बज गए, 2-3 घंटे रख लूँगी बहुत है, 9 से 12 बजे तक रख लूँगी बहुत है। ये भी थी कल शाम को, अभी वो दी है, अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। आज सोच रही थी कि गार्लिक वाले वो बनाती हूँ ब्रेड, पर ना इतने फ्रूट्स हैं और ऊपर से सारे पक चुके हैं, तो फिर ये हो जाएंगे। अरे कल डॉक्टर के गए तब लेके गए थे, सोचा कि रास्ते में खा लेंगे, नहीं खाए गए ऐसे ही हैं, तो ये देखो सारी ऑरेंज पेड़ हो रही, सारी बनाना वैसे हो रही है, तो इसलिए फिर कुछ वो नहीं करेंगे क्योंकि यही खाएंगे, ये फिर ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। तो देखती हूँ मेहंदी लगाऊंगी, तो मेहंदी लगा के मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, ब्रेकफास्ट करते हैं। देखना जी भर भर के डाले जो, इतना मोटा ना झगड़ा हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के गई थी, वो एक आ गया था सुबह उठ के दिया था, सुबह तो फिर सारे आगे झगड़ा हो गया, थोड़ी देर पहले फिर अकेला एक आया था, फिर उसको डाला, फिर उसको देख के और आ गए बाद में, और अभी इसने पता नहीं कितना डाल दिया, इतना मन डाल और कहाँ चढ़ रही। ड्राइव देखो ड्राइव, जोर से बोलूंगी तो सुन जाएगी। मैंने कहा बेटे पर फोन में नहीं आ रही, देखो मैंने सिली थी वो पहनी है आज, इसने ड्रेस सुंदर लग रही है मुझे तो, पायल भी पहनी है। तो उतर जानी चक्की रहेगी, 5 वो तो और आ जाएंगे, आजा आजा, ऐसे मत कर रहा मत उनको, आजा उतरा नीचे उतरा है, और अपने आप चढ़ के देख, आज लुढ़केगी कहीं, इधर रखे हैं जो सीटी आने लग रही है, आलू रखे हैं तो आज बनेंगे आलू के पराठे, कई दिन हो गए खाए थे, नवरात्रों से पहले खाए थे, दूध गर्म करूंगा भी किया नहीं है, रख दिया है। नीचे बंद कर, नीचे उतर, ड्रेस दिखाते हैं उसके आगे से, ओए नीचे उतर, नीचे आज बंद करके आराम से नहा लिया है, योशी भी नहा लिया, ये थोड़े से बर्तन है जी, बर्तन धोती हूँ, आजा आजा आजा, मैं कर रही थी बैठ के, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, देख कैसे हो रही है, देख 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 धीरे धीरे, हाँ ये देखें देख आ जाए तेरे स्कूटर को, कितनी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर लग रही है, पर नखरी कर गया, नहीं मुझे कम लग रही है, फोन कर ले, ये क्या खा रही है देख ले, टोस्ट है रस्क इनके लग रही है। अच्छा इधर तो आ, साइकिल को रख दे, साइकिल को रख दे पर जल्दी, ये देखो जी ड्रेस, थोड़ा पीछे जा, थोड़ा पीछे जा तभी तो अच्छे से दिखेगी, ये देखो बताओ क्या, इतने पीछे मैं जा, थोड़ा सा गया, टच मत हो, हाँ बस बस आराम से, अब देखो पायल भी पहनी है मेरे बच्चे ने, अरे देखो बताओ कहाँ से वो लग रही है, सीधा हो थोड़ा सीधा हो ना, ये देखो एकदम फिट आ रही है, और मुझे तो अच्छी लग रही है नीचू, बहुत अच्छी जी, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना, इसको ये बोल रहे मुझे कम अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना कमेंट करके बताना। तो ये इसकी ड्रेस है, कितनी आ गई है 2-3, मैंने नहीं मैंने लगा रखी, रखूंगी अभी 12 बजे तक तो जरूर, 11 बज गए हैं, इसकी एक कॉल करा रही है इसकी फ्रेंड के पास, तो कॉल करते हैं पहले, टाइम हो गया जी 2:30 2:15 और आ गए हैं, गर्मा गर्म आलू के पराठे कई दिन में खाएं, बटर के साथ खाएंगे, देखो गर्म गर्म में है, मुँह में पानी आ रहा है, और ये है मिर्ची का अचार, दही लिया है, मीठे में है थोड़ा सा चॉकलेट, यही था सलाद नहीं कट करी, इसी खाएंगे, मैं योशी रह रहे हैं बस, बाकी सब ने खा लिया, तभी खाते हैं गर्मा गर्म पराठे। टाइम हो गया जी 3:05, योशी तो सो रही है और निशिता कर रही है अपना होमवर्क, क्योंकि कल से इनके स्कूल ओपन हो रहे हैं, 15 दिन की छुट्टी मान रही है ना रे, तो इसलिए इसका थोड़ा काम है वो कर रही है ये। मैं बैठी जी, मेहंदी आया, अच्छा कलर आया, इसकी थोड़ी हेल्प करा रही हूँ, आगे काफ़ी अच्छा कलर आया है वैसे मेहंदी का, तो इंडिगो देखेंगे हम कल, तो निशु का थोड़ा काम करा देते हैं, फिर बाद में थोड़ा आराम करेंगे। भाई ब्लड चलेगी रागी जी आंधी, योशी ए योशी जो आवाज आ रही बड़बड़ पता नहीं क्या किस चीज, योशी जल्दी आ जा, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं ऊपर नीचे उधर बालकनी में भी, योशी बारिश भी आ जाएगी, देखो सब मोड़ने लग गया, पक्षी देखो पक्षी दिख रहे हैं, अंधेरा हो गया जी, और अंदर चली गई है लाइट,
लाइट नहीं अभी गई है, जस्ट क्योंकि आंधी आ गई ना, अभी काट ले। बेटा उतर उतर उतर, कपड़े उतार, मौसम तो ज़्यादा खराब हो गया, तो पापा भी नहीं आए हैं। और ये देख ऐसे पक्षी देख कैसे जा रहे हैं हवा के, उसमें कैसे उड़ रहे हैं, ऐसे ठंडी 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 आ रही है। वैसे तो भाई उतार ले, ये देखो जी इतने सारे कपड़े, कुछ इसमें गिले हैं, दिख नहीं रहे अच्छे से, तो सुखाएंगे। और बारिश आ गई, मस्त मौसम हो गया, ऐसे ठंडी हवा आ रही है ना, और बारिश आ गई है। अब तो बस चाय पीने का मन है, हस्बैंड नहीं आए, आ जाए तो फिर बना लो। पापा कैसे आएंगे बारिश में, शुरू हो गई, बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो गया, एक तो गर्मी से हो रही थी, बहुत ठंडा ठंडा हो गया, हवा चल रही है अच्छी। बज गए हैं जी शाम के 7, इधर तो बना रही हूँ मैं मैगी, और साथ में है हलवा, तो बच्चों को बोले कि हम मैगी खाएंगे तो मीठे के साथ में, फिर उनके लिए थोड़ी मैगी बना दी, एक पराठा भी रखा आलू का, और हलवा रहेगा साथ में। इधर मैंने भिगो दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, कुछ अखरोट, बादाम और मूँगफली, अंजीर भिगोऊंगी जी बाद में भी, इसके लग गई मैं ये वाला कर लेती हूँ। और बारिश आ रही, बहुत अच्छा मौसम हो गया, फिलहाल तो शायद रुक गई है, वार्षिक गिर रही है तो पता नहीं, पर बहुत ठंडा मौसम है, दरवाजे बंद कर दिया, सब ठंडी लग रही है। तो खाते हैं पीते हैं, टाइम से सोते, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है बहुत दिन के बाद, और मुझे भी उठ के थोड़ा सा जल्दी भी रहेगा, अभी बच्चे अभी स्कूल जाएंगे तो टिफिन वगैरह का सब हो जाता है ना, काम तो बढ़ जाएगा, जल्दी से डिनर कर लेते हैं ताकि जल्दी सो जाए। तो लोग को यहीं पर खत्म करती हूँ, आई होप आज का लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभरात्रि, राम राम जी। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी हलवा।